हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेस किचन। आ गया आपका दोस्त कुंज कनेर, एक स्वादिष्ट रेसिपी लेके, चोराफोरी की रेसिपी लेके आया हूँ। दिवाली स्पेशल है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। चोराफोरी बनाने के लिए चाहिए बेसन 2 कप लेंगे, और 1 कप लेंगे उड़द दाल का आटा, 2 भाग बेसन का और 1 भाग उड़द दाल का आटा। इस तरह से छन्नी की मदद से हम छाट लेंगे ताकि दोनों आटा अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई गुठली या कचरा रहेगा वो भी साफ हो जाएगा। ये चोराफोरी बनाने के लिए सारी चीजों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक करिए रेसिपी को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 चुटकी डालेंगे बेकिंग सोडा और 2 बड़े चम्मच डालेंगे तेल के। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीजों को। ये रेसिपी का सीक्रेट अभी चालू होता है। कम से कम पानी इस्तेमाल करना है हमें डो बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एकदम टाइट डो बनाना है हमें चोराफोरी के लिए। अभी भी हमारा आटा थोड़ा सा सूखा है, थोड़ा और पानी ऐड कर रहा हूँ और आटा कंटिन्यू गूंदेंगे। और अमेजिंग स्वीट्स और फरसान की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है। त्योहारों की रेसिपी के लिए पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग विजिट करिए और बनाइए अपने घरों में। डो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, फिर से थोड़ा डालेंगे तेल और टाइट करेंगे डो को। चोराफोरी का डो बनकर रेडी है। अभी इसको देना है रेस्ट मिनिमम 30 मिनट के लिए और 1 घंटा देंगे तो और अच्छा रहेगा। देखिए पूरा डो बनाने के लिए सिर्फ 1/2 कप ही पानी इस्तेमाल हुआ है। देखिए रेस्ट होने के बाद हमारा डो कैसे बढ़िया दिख रहा है। अभी और मेहनत का काम चालू होने वाला है। एक इस तरह की प्लास्टिक बैग ले लीजिए, थोड़ी थिकनेस ज़्यादा हो ऐसी देखिएगा। उसको अंदर से ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से और डो डालेंगे इसके अंदर। अभी 7 से 8 मिनट 10 मिनट इसकी कुटाई करनी है। इस तरह से हीट करते रहिए कंटिन्यू। जब डो फ्लैट हो जाए अंदर से फोल्ड कर लीजिए और वापस हीटिंग चालू रखिए डो के ऊपर। इस तरह से कंटिन्यू कम से कम 7 से 8 मिनट 10 मिनट करते रहिए। 10 मिनट इस तरह से कुटाई के बाद देखिए हमारा आटा कितना शाइनी हो गया है। पहले येलो था, अभी लाइट येलोइश हो गया है कलर में, आप लोग देखेंगे। क्रिस्पी करारी चोराफोरी बनाने के लिए ये वाली प्रोसेस एकदम ज़रूरी है। डो को रोल कर लेंगे इस तरह से, 2 पार्ट में मैंने रोल किए हुए हैं, और काट लेंगे चाकू की मदद से सभी टुकड़ों को। जैसे रोटी के या पराठा के लोहे बनाते हैं हम, इस तरह से गोल गोल बना लेंगे। सभी को डालेंगे एक बर्तन में, ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल और मिक्स कर देंगे अच्छे से ताकि अच्छे से ऊपर मॉइस्चराइज रहे और चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। बेल लेंगे रोटी जैसा 1 बाय 1। अगर बेलने के टाइम चिपकती है रोटी तो ही आटा थोड़ा इस्तेमाल करिए, डस्ट करिए तो चिपकेगी नहीं। देखिए मेरी तो चिपक नहीं रही है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपकी थोड़ी चिपकती है तो आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो कम ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि आटा बाद में तेल को फ्राइंग करने के टाइम काला कर देता है। चोराफोरी की रोटी आप जितना पतला बेल सके उतना पतला बेलना है। इस तरह से सभी बेल लेंगे हम। चोराफोरी का स्पेशल मसाला बनाते हैं। एक बाउल में 1 छोटी चम्मच डालेंगे काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। मिक्स कर दो अच्छे से, हमारा मसाला बनकर रेडी है। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तब तक हम कट्स लगा लेते हैं चोराफोरी के। आप चाहे तो ऊपर की एज छोड़कर कट लगा सकते हैं या फिर इस तरह से पूरी स्ट्राइप वाली कटिंग भी कर सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। तलने के टाइम आपको थोड़ा हाथ फास्ट चलाना पड़ेगा क्योंकि इसको तलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता, 20 से 30 सेकंड में फ्राई हो जाता है। 1-2 बार इस तरह से ऊपर नीचे फ्राई करिए और हमारी चोराफोरी फ्राई हो जाएगी फटाफट। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारी चोराफोरी का। एक बर्तन में निकाल देंगे और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे हमारा स्पेशल चोराफोरी का मसाला। इस तरह से सभी चोराफोरी हम फ्राई करते जाएंगे। खास ध्यान रखिए तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क हो जाएगी हमारी चोराफोरी। 20 से 30 सेकंड में कंप्लीट फ्राई हो जाएगी क्रिस्पी करारी। बर्तन में निकालते जाइए और ऊपर स्प्रिंकल करते जाइए हमारा मसाला ताकि अच्छे से कोट हो जाएगा। छोटे बड़े सभी लोगों को ये चोराफोरी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। एकदम कम बजट में टेस्टी दिवाली का स्नैक्स आप लोग के लिए लेके आया हूँ। रेसिपी के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल पूछिएगा, मैं जरूर आंसर करूँगा। देखिए सभी को हमने तल लिया है, ऊपर से कोट कर लेंगे मसाला के साथ। और कई सारे चवाण और फरसान की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग विजिट करिए और त्योहारों पे बनाइए। अब क्रंच सुनिए कितनी क्रिस्पी बनी है, एंजॉय करिए ये चोराफोरी की रेसिपी।
तो दोस्तों हमारी क्रिस्पी करारी चूड़ा फरी की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कई सारी स्पेशल रेसिपी दिवाली की मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग विजिट करिए और बनाइए। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।